Well, good evening from somewhere in God's beautiful world. And we had some time, I wanted to speak to you, so here I am, back with you guys, in a nice setting. And some thought came to me that a lot of people say that they have done no wrong. बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा नमस्कार आपको, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने कभी कोई गलती नहीं करी, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ ही बुरा हुआ है, लोग मेरे साथ गलत हैं। ये बात सत्य नहीं है, ये झूठ है, दिस इज़ अ लाई। बिकॉज द बाइबल सेज दैट वी ऑल हैव सिन एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। हम सब ने पाप किया है और हम प्रभु के लिए छोटे पड़ते हैं, उसकी ग्लोरी के लिए काबिल नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब हम मान लेते हैं कि हम गलत हैं, तो प्रभु अपनी रूह से हमें काबिल बनाता है। ही एम्पावर्स अस विद हिज स्पिरिट। लोग बोलते हैं कि मेरे को घर मिल जाए, बड़ी अच्छी बात है। लोग बोलते हैं कि मेरी शादी हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। लोग बोलते हैं मुझे शोहरत मिल जाए, बड़ी अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है। पर मैं बोलता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपके और आपके परिवारों को अनंत काल का जीवन मिले, सैल्वेशन मिले। तो आज मेरी ये छोटे से मैसेज में ये प्रार्थना है, घर के लिए नहीं, उन्नति के लिए नहीं, वो तो प्रभु करता ही है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें प्रभु जोड़ देता है। प्रभु बोलता है कि तू मेरा राज ढूंढ, फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल दैट यू नीड विल बी एडेड अनटू यू। और जो तेरे को चाहिए मैं तुझे दूंगा। लोग उल्टे तरीके से जाते हैं, लोग चीज़ों को ढूंढते हैं, लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों को ढूंढते हैं। प्रभु बोलता है कि हाँ, मुझे पता है तुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं एक चिड़िया को खाना देता हूँ, मैं घास को ऐसे सजाता हूँ, फूल को ऐसे सजाता हूँ, क्या मैं तुझे ये सब नहीं दूंगा? अवश्य दूंगा। तो मेरी आज प्रार्थना है आपके लिए, एक नाम जो बचाता है। छोटी सी प्रार्थना है कि आप और आपके परिवार वाले बचें, और जो भी प्रभु बोलेगा कि प्रार्थना में मैं रखूँ आपको, प्रार्थना करूँ होली स्पिरिट द्वारा, तो मैं करूँगा। प्रभु आपको बहुत मोहब्बत करता है, पता है बाइबल में लिखा है कि आसमान ऊंचाई नहीं, निचाई नहीं, ब्रेथ नहीं, गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे को प्रभु की मोहब्बत से दूर ले जा सकती है। तो प्रभु आज मेरी प्रार्थना है कि प्रभु जो लोग बचे नहीं हैं वो बचे, सेल्वेशन आए प्रभु, क्या अनंत काल का जीवन उनको मिले। प्रार्थना है मेरी प्रभु, जिनको नहीं मिला है प्रभु, कोई धर्म नहीं प्रभु मैं बोल रहा हूँ, कोई कल्चर नहीं बोल रहा हूँ प्रभु, कोई रिलीजन नहीं बोल रहा हूँ। आई जस्ट डोंट स्पीक रिलीजन, दैट्स जस्ट नॉट माय नेचर। मैं बोल रहा हूँ कि जिनके पास जो भी प्रभु आज देख रहा है मुझे प्रभु, प्रार्थना है मेरी प्रभु कि वो उद्धार पाए, मे सैल्वेशन बी योर पोर्शन। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग बीमार हैं उनको आराम मिले प्रभु, जिनके कान से सुनता नहीं है प्रभु, कान से सुनना शुरू हो प्रभु, प्रार्थना है मेरी प्रभु। आंखों से धुंधला दिखता है प्रभु, कोई 12 साल की लड़की है जिसको देयर इज अ थिंग्स नोन एज जुवेनाइल कैटरैक्ट। मैंने देखा है प्रभु के बच्चों को कभी कभी कैटरैक्ट होते हुए, 12-13 साल के बच्चों को। मेरी प्रार्थना है वो बच्ची ठीक हो जाए प्रभु, आँखों में हीलिंग्स जा रही हैं, हड्डियों में हीलिंग्स जा रही हैं, मस्तिष्क में हीलिंग जा रही है, कन्फ्यूजन की आत्मा जा रही है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, पेट में से प्रभु फंगस इन्फेक्शन जा रहा है, स्किन में से फंगस इन्फेक्शन जा रहा है प्रभु,
प्रार्थना करता हूँ जहाँ उदासी है वहाँ मुस्कुराहट आ रही है प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु ब्लेस कीजिए सब कलीसियाओं को, सब पास्टर्स को प्रभु। प्रार्थना है कि हम लोग एक होकर रहें, क्योंकि प्रभु बोलता है कि हाउ प्लेजेंट इज इट फॉर द लॉर्ड व्हेन द ब्रेदरन ड्वेल इन यूनिटी। कितना मधुर है और कितना अच्छा है जब हम लोग एकता में रहते हैं। और प्रभु बोलता है when we dwell in unity he commands his blessing upon us। imagine jab hum ekta mein hote hain to wo aagya deta hai apni aashish ko hamare mein aane ke liye, aur jab prabhu aashish ko aagya deta hai to aashish aati hai aapki zindagi mein bhi aa rahi hai। receive kijiye। god loves you and I love you too। bye bye।